हमने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल नौजवानों को। इन्होंने कहा था कि हम जो स्वामीनाथन कमेटी है उसको लागू करेंगे, 1.5 गुना दाम देंगे किसान को। जो एमएसपी है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने की थी, उसी के तीसरे दिन एमएसपी घोषित हुई। एमएसपी पर कभी भी रहने दो, उनको पत्रकार है, एमएसपी को कहीं भी खरीद नहीं होती है। बिहार में तो कहीं एमएसपी पर खरीद होती नहीं है। यदि नौजवान और किसान मिला दो तो भारत बन जाता। इन्होंने गंगा का साफ करने का कहा था, तो कल जीडी अग्रवाल जो गंगा के एक तरह से सबसे ज्यादा काबिल, गंगा के पूरी तरह से गंगा के मामले में उसके असली संतान कोई थे तो वो जीडी अग्रवाल थे। वो 122 दिन हड़ताल करके ये वादा जो था पूरा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। एक और संत बैठे हुए हैं, गंगा खतरे में है और सरकार ने कहा था इस गंगा को खतरे से बाहर निकालेंगे। हम गंगा के किनारे बैठे हैं और जो आने वाला समय होगा उसमें भी जो गठबंधन होगा उसका गंगा का एक विशेष उसमें रखा जाएगा।